ओके सम प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको वैल्यू एडेड मेथड की जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें वैल्यू लेनी है और कौन सी वैल्यू को हमें इग्नोर करना है क्योंकि बहुत बार क्या होता है अगर हम इन प्रिकॉशंस का ध्यान ना रखें तो हमें जो जी आएगी जो हमारा जो नेशनल इनकम आएगा बेसिकली वो हमें मिसलीडिंग पिक्चर देगा इकोनॉमी की जो कि हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे ओके फर्स्ट थिंग इज़ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड वाई वाई आर इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम फर्स्ट थिंग अगर आप सोचो क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड रहता है उसका वैल्यू ऑलरेडी फाइनल आउटपुट में जो एम रहती है उसमें इंक्लूडेड रहता है तो अगर हम दो बार ले लें उसको तो इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और नॉट ओके हैविंग हैविंग सेड दिस सेड अबाउट डबल काउंटिंग नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डबल काउंटिंग क्या होती है ओके सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस स्लाइड पहले से कि द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यू मस्ट बी स्टैंडिंग लाइक दिस कि डबल काउंटिंग ओके नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर एग्जाम्पल फार्मर देर इज अ फार्मर ओके इसने वीट बेचा किस को मिलर को मिलर ने वापस से बेकरी को भेज दिया एक बेकर लिख लेते हैं ओके okay, बेकरी बेकर के okay, फार्मर ने मिलर मिलर को आटा कितने में बेचा फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड में ठीक है मिलर ने बेकर को कितने में बेचा फॉर एग्जाम्पल सेवन हंड्रेड में ठीक है फिर बेकर ने उसका ब्रेड बनाया और ये ब्रेड दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रेड सो प्लीज इग्नोर सो लेट्स राइट इट थाउजेंड ठीक है दिस इज हाउ द चेन इज गोइंग नाउ फार्मर ने मिलर को बेचा पांच सौ में ठीक है मिलर ने उसको फर्दर बेकर को भेजा सेवन हंड्रेड रुपीज में और फिर फाइनल ब्रेड जो बना वो हमारा बना है वन थाउजेंड रुपीज का नाउ अगर हम एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जहां तक हम वो अपना फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं एवरी स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन अगर हम इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा हमारा जी अगर हम यहाँ पे लिखे या नेशनल इनकम लिख लो तो वन प्लस सेवन कितना सेवनटीन प्लस फाइव हंड्रेड तो यहाँ पे अगर आप ऐड करो इट्स इट गिव्स यू ट्वेंटी टू हंड्रेड ठीक है कुल cool. ठीक है अगर हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना है तो वी हैव ट्वेंटी टू हंड्रेड ठीक है पर यहाँ पे जो आपका फाइनल एम आर पी होता है इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो हमारी फाइनल एम आर पी होती है फॉर एग्जाम्पल ब्रेड को बनाने में तो उसमें जितना भी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जितने भी पैसे दिए गए वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती है ना तो वहां पे क्या रहता है कि अगर हम अभी देखें तो हमें क्या मिलता है ट्वेंटी टू हंड्रेड तो हमें लगेगा कि ठीक है दैट इज नाइस बट दिस इज गिविंग यू अ वेरी मिसलीडिंग पिक्चर क्योंकि ये सो वन थाउजेंड रुपीज है ये एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें कैसे अब ब्रेड को इसने लिया वन थाउजेंड रुपीज है इसमें सारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड है ठीक है यहाँ पे अगर हम हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको काउंट करेंगे तो इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड इट विल गिव एन मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी कि यहाँ पे 2200 आ रहा है पर दिस इज नॉट द केस ओके इस ब्रेड की वैल्यू वन थाउजेंड रुपीज़ है विच इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओके द मतलब हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी हमें ट्रांजेक्शन हो रहा है इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल दोज थिंग्स तो यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाती है क्योंकि दीज आर जस्ट इंटरमीडिएट गुड्स ये इनपुट है ब्रेड को बनाने में सो दीज आर योर इंटरमीडिएट गुड्स इनका वैल्यू हम उसमें नहीं लेंगे ठीक है सो द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू हम नहीं लेते क्योंकि इसमें एडिशन हुआ इसमें एडिशन होकर हमने फाइनल आउटपुट बना लिया और येस इसी की वैल्यू हम लेंगे ठीक है सो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इसको अवॉइड करने के लिए भी दो दो तरीके हैं फर्स्ट थिंग इज योर ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड जिसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस नहीं लेते हैं डन ठीक है एक चीज तो हो गई उसके बाद क्यों ना हम अपने नेशनल इनकम में इन सबको हटा के सो टू थिंग्स इज योर वैल्यू एडेड मेथड एंड फाइनल आउटपुट मेथड फाइनल आउटपुट मेथड में बेसिकली क्या होता है ये जो आपका वन थाउजेंड रुपीज है यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे में तो वन थाउजेंड में से अब जो बेकर है उसने मिलर को कैसे दिया कितना रुपीस 700 हमने माइनस कर लिया ठीक है तो अगर 700 माइनस करेंगे तो यहाँ 300 हो जाएगा 300 मिल गया हमारे मिलर को ठीक है फार्मर 700 में से

ओके सो दैट शुड नॉट बी द केस तो जो फाइनल आउटपुट है फाइनल आउटपुट मेथड में जो सिर्फ फाइनल आउटपुट रहता है हमारा उसकी जो वैल्यू होती है उसी को हमें कंसिडर करना है वाइल्ड कैलकुलेटिंग योर नेशनल इनकम एंड दिस इज डन फर्स्ट थिंग इज डन एंड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है ठीक है अब कार को बनाने में बहुत सारे इनपुट्स लगे होंगे अब उसको इनपुट्स में हमने वैल्यू ऐड किया तब जाके ये कार बनी ठीक है अब ये कार बनी है उसके बाद अब मेरा मन नहीं कर रहा है इस कार को चलाने का फर्दर तो मैंने क्या सोचा आई आई शुड जस्ट सेल इट आउट ओके आई शुड जस्ट इट आउट तो फिर मैंने कार को सोचा कि मैं को बस बेच देना है तो यहाँ पे इस कार में मैंने तो कोई वैल्यू ऐड नहीं किया ठीक है कार तो कार थी उसको मैंने एक बार खरीद लिया उसमें जो इनपुट्स लगा उसमें वैल्यू वा, ऐड हुआ और वो कार बनी पर मेरे पास जो कार थी मैंने उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं किया कोई कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जस्ट आई हैव सोल्ड इट आउट ठीक है अब जस्ट सोल्ड इट आउट तो वहां पे उस केस में देर इज नो वैल्यू एडिशन इज डन इन दिस कार

में वो आ गया है ठीक है तो वापस से उसको कैलकुलेट करने का देर इज नो सेंस टू इट एंड देर इज नो वैल्यू एडिशन बींग डन इन दिस थिंग इन द वैल्यू ऑफ कार इन आवर एग्जाम्पल सो दिलेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स द गुड्स दैट आर सोल सेकेंड हैंडली आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ओके प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेस फॉर सेल्फ कंजम्शन आर नॉट इंक्लूडेड सेल्फ कंजन फॉर एग्जाम्पल you are cooking something for a f uh, your family you're making let's take poha so you're making poha you're not saying rupees plate dunga, to your mama papa your siblings da, daddy anyone you'll not say that th because you are making it for your self consumption okay and the goods that are being made for self consumption are not included in uh, calculating national income because for example there is a teacher who is teaching to हर और हिस्सन ओके हि सन और हर डॉटर ठीक है सो so, वहाँ पे क्या होगा टीचर क्योंकि टीचर है शी इज टीचिंग एट होम तो आपको पता नहीं ना वो फॉर एग्जाम्पल अलग अलग लोगों के अलग अलग काम करने में कितना टाइम लग रहा है काम करने में किस तरह का काम है घर में भी डिफरेंट हाउस होल्ड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क आर देयर तो ऐसे कैलकुलेट करना इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट सो फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग पोहा एंड आई नॉट से आल Give you for ten rupees to my mama. Okay, you do not say that. So all those things that are uh, used for self-consumption are not included. Okay, this thing is also done. Production of goods for self-consumption will be included. Now, here two things. I also got confused, but not to do that. Service teaching is a service and this thing should not be included whereas goods goods will be included okay only the services a teacher is giving her services that thing should not be included but the production of goods for self consumption Will be included. Okay, so the next point is production of goods for self-consumption will be included here. The goods you produce, not I'm not talking about the services here, services you render, for example, your mama does some shows for you, and the services which are own people offer, those things are not to be included. But production of goods for self consumption will be included here. Goods, pe services add na yuri goods to. प्रोडक्शन ऑफ गुज देर इज समथिंग प्रोडक्शन देर सम प्रोडक्शन इज हैपनिंग देर सो सेल्फ कंजम्पन है इसलिए उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू लेंगे अब इंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ हाउस यहाँ से आपको ये वाला ये वाला पॉइंट भी समझ पाएगा कि इंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है इम्प्यूटेड वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन अ हाउस ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सेलिंग दैट हाउस पर इफ आई वर टू सेल दैट हाउस तो आई वुड गि इट फॉर फॉर एग्जाम्पल टेन थाउजेंड रुपीज तो हर बार उस रेंट पे आई वुड गेट समथिंग मुझे कुछ ना कुछ मिलता जा, अगर मैं वहाँ पे खुद मैं इफ़ आई आई एम नॉट स्टेइंग एट दैट हाउस पर मैंने रेंट भी दे दिया तो आई वुड अर्न अ रेगुलर इनकम ऑफ टेन 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 थाउजेंड ओके सो दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट यू इम्प्यूट अ रेंट ठीक है हमने नहीं दिया पर अगर हम देते तो हमारे पास कितना वैल्यू आता तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्प्यूटेड वैल्यू इम्प्यूटेड समथिंग कि हमें नहीं पता पर अगर हम खुद कंज्यूम नहीं करते और फॉर एग्जाम्पल किसी को देते ठीक है उस घर को तो टेन 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 थाउजेंड रुपीज़ आता वैल्यू एड कुछ कुछ होता रहता उस घर में ठीक है सो ऐसे चीज़ों में मतलब जब हम मार्केट वैल्यू नहीं जानते होते तो हम उसे इम्प्यूट करते हैं ठीक है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्प्यूटेड रेंट ओके

हंड्रेड है अब एंड आते आते कि हमारे पास हमने देखा कि हंड्रेड से स्टार्ट किया था वन ट्वेंटी हो गया ठीक है तो यहाँ पे आपका चेंज इन स्टॉक कितने यूनिट ऑफ गुड की इसमें बढ़ोतरी हुई ट्वेंटी सो दैट्स उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड एंड डिबेंचर्स न्यू एंड ओल्ड विल नॉट बी इंक्लूडेड सो सेल एंडेज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड एंड वाई Because these share bonds and dimensions are just paper claims. It's just written in the papers and it keeps on changing. The transaction keeps on happening. Okay? And it's just the चेंज ऑफ टाइटल आई थिंक आज इसके पास है देन इट्स ट्रांसफर टू समन एल्स तो दोबारा दोबारा से वी कै नॉट डू दैट ओके दीज आर जस्ट मेयर पेपर क्लेम्स सो द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर डबेंचर्स न्यू एंड ओल्ड आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग योर नेशनल इनकम सो आई होप दिस मेथड the method value added method is clear to all of you i'll see you next time and we will be doing income method and expenditure method in detail like we did of value added method so i'll see you next time until then you have if you have any doubt please write to us at academics at the rate .in. i'll see you next time thank you